लोग टिकट के चाहवान थे कांग्रेस पार्टी में, जो कहते हैं थोड़ा सा लालच करते हैं भी हमारे को टिकट मिलनी चाहिए, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शायद देखा होगा तो उनको लगा भी था कुछ लोगों को भी हमारे को शायद टिकट नहीं मिले, क्योंकि अपने सेल्फ वेस्ट इंटरेस्ट थे, तो वो लोग छोड़कर आप पार्टी में। ये जग जाहिर है, पिछले 6 साल से मैं एक अगर आपको गिनाना शुरू कर दूं, जब से अरुण सूद जी 2016 में मेयर बने थे, उस समय ही से शुरुआत हो गई थी चंडीगढ़ में बुरी हालात उनके कौन, जो अरुण सूद जी जब बने तो यहाँ पर एक कंपनी ऐसी लाई गई और एक स्ट्रीट वेंडर का, मैं उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, उनके समय में स्ट्रीट वेंडर में जो सर्वे हुए, आज आप लोग देखिए सारे रेडी पड़ी वाले त्रस्त है बेचारे लोग। हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी यूनियन लड़ रही हैं, दलित लोग लड़ रहे हैं, पर लेकिन नहीं हो रहा है। तो हमको यही चाहेंगे आज आने वाले दिनों में, अगर कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में हमारी कांग्रेस की बनती है और कुमार बंसल जी की रहनुमाई में, सुभाष चावड़ा जी की रहनुमाई में, तो हम लोगों को फेयर तरीके से उनका टेस्ट लेकर उनको नौकरियाँ देने की व्यवस्था करेंगे। मैं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावी बिगुल बज चुका है और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जहां पर 26 वोट आया करते थे तो वहां पर इस बार वोट की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 31 में, जहां पर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सतीश जी से। उनका क्या कुछ कहना है, किस नजरिए से वो लोगों को इस बार लुभाएंगे और किन किन मुद्दों के साथ वो मैदान में उतरे हैं, हम आपसे मिलवाएंगे सतीश जी को। सतीश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको टिकट मिला है। हाँ, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज जो कल हमारे इंडिया के बिपिन रावत जी चीफ आर्मी स्टाफ, उनका उनकी पत्नी के साथ में, तो हम लोगों ने उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने शोक व्यक्त किया हुआ है और मेरी तरफ से भी उनको बहुत सी वो श्रद्धांजलि है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को यहाँ से वार्ड नंबर 31 है जिसमें कजेली सेक्टर 52 और बिजली कॉलोनी आती है, साथ में और सिंगल कॉलोनी और सेक्टर 61 आता है, तो यहाँ पर मैं इलेक्शन के लिए उतरा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चंद्रवती शुक्ला थी यहाँ से काउंसलर, जो उन्होंने वादे किए थे लोगों के साथ पिछले चुनाव में जब 2016 में वो आए थे, लेकिन आज मैं यहाँ पर जो भी मीटिंगें कर रहा हूँ, जो लोगों के घर घर पे भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे को सुनने में और देखने में ये ऐसा वार्ड लगता है जैसे ये वार्ड चंडीगढ़ का जो कहते थे वो 2014 में सिटी काउंसिल के समय में था, लेकिन वो वार्ड आज ये लगता है जैसे आप लोगों को मालूम है 66 में नंबर पर रैंकिंग आ गई है, पिछड़ गया है हमारा, और मेरे को लगता है सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड उसके में देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को 31 नंबर वार्ड मिल रहा है। तो कोशिश यही है अब भी, जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया, जो लोगों के काम करने की लोगों को चाहिए बेसिक कम्युनिटी वो नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कम्युनिटी सेंटर नहीं है, संपर्क सेंटर नहीं है, यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है 61 सेक्टर में। साथ में देखिए आप ये बॉर्डर पे लगता है, यहाँ पर इनका कोई पिन कोड अपना नहीं है, कोई ऐसी कोई सुविधाएं जो यहाँ पर चाहिए, कोई पार्क नहीं है। आप लोग भी देखेंगे तो शहर इस पूरे वार्ड में कोई एक ग्रीन बेल्ट तक नहीं है, यहाँ पर कोई बुजुर्ग बच्चे महिलाएं कोई सैर करने के लिए जा सके, और हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाए। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो विज़न है, वो हमारा विज़न गरीबों का साथ देना और गरीबों के साथ उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करना है। जो पिछले जब से कांग्रेस पार्टी यहाँ कॉर्पोरेशन में नहीं है पिछले 6 साल से, उस समय से सारे चंडीगढ़ के जितने वार्ड हैं वो सारे वार्डों की जो दशा है वो दयनीय हुई, और आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये लगता है अभी आने वाले जो हमारा निगम का जो वोटें डलने हैं 24 तारीख को, तो इस वार्ड में हम लोगों की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी।
अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी तो पहले से ही है और कांग्रेस पार्टी भी है जो स्ट्रॉन्ग पार्टी के नाम से जानी भी जाती है, लेकिन इस बार पहली बार आप पार्टी भी मैदान में उतरी है चंडीगढ़ में नगर निगम के इलेक्शंस में, उसे आप किस तरीके से चुनौती देंगे? देखिए, आप पार्टी सिर्फ बातें करने में, अखबारों में या ग्राउंड लेवल पे आप देखिए, जो लोग टिकट के चाहवान थे कांग्रेस पार्टी में, जो कहते हैं थोड़ा सा लालच करते हैं भी हमारे को टिकट मिलनी चाहिए, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शायद देखा होगा तो उनको लगा भी था कुछ लोगों को भी हमारे को शायद टिकट नहीं मिलेगी, उनके अपने सेल्फ वेस्ट इंटरेस्ट थे तो वो लोग छोड़कर आप पार्टी में गए, उन्हीं के कंधों के ऊपर ये आप पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, पर लेकिन वो लोग जिनके ऊपर आप पार्टी ने अपना दाव लगाया उन लोगों को तो सारी शहर की जनता पहले से जानती है, कोई नए लोग तो है नहीं वो, तो इसलिए आप पार्टी का कोई वजूद अपना नहीं है चंडीगढ़ में, तो ना ही यहाँ पर ऐसी कोई बात है भी आप पार्टी यहाँ पर कोई अपना कोई सीट ले पाएगी। यहाँ से आपकी विपक्षी पार्टी आप पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जग जाहिर है, पिछले 6 साल से मैं एक अगर आपको गिनाना शुरू कर दूं, जब से अरुण सूद जी 2016 में मेयर बने थे उस समय ही से शुरुआत हो गई थी चंडीगढ़ में बुरी हालात की, उनके जो अरुण सूद जी जब बने तो यहाँ पर एक कंपनी ऐसी लाई गई और एक स्ट्रीट वेंडर का, मैं उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, उनके समय में स्ट्रीट वेंडर में जो सर्वे हुए, आज आप लोग देखिए सारे रेडी फड़ी वाले त्रस्त हैं बेचारे लोग, और उसके बाद इनके जो 2017 में मैडम आशा जायसवाल जी बने, उस समय इन्होंने 2 करोड़ रुपए के ऐसे मतलब कि डस्टबिन लोगों को धोखा देकर बांटे विश्वस्ता के नाम पर, प्रधानमंत्री के विजन के नाम पर, वो भी लोगों के साथ धोखा हुआ, उसके बाद आप लोगों को मालूम है फिर राजेश कालिया जी भी बने, राजेश कालिया जी जब बने तो वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ राजेश कालिया जी के समय में, क्योंकि उन्होंने जो डंपिंग ग्राउंड के नाम पे ऊपर लोगों को कहा था कि हम इसको डंपिंग ग्राउंड के पूरे कड़कड़ को उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन शहर में पैसे की कमी नहीं थी, ऐसा स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर बहुत आया लेकिन उसको पानी की तरह बहा दिया, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ, अगर काम होता तो कहीं ना कहीं हम 66 में रैंकिंग पे ना स्लिप करते, और उसके बाद भ्रष्टाचार की बात क्या कर रहे हैं आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के नाम पर समझ में आती है लोगों को, अगर आज देख दूसरी तरफ अभी पिछले टॉयलेट्स आप देख लीजिए चंडीगढ़ में, जितने टॉयलेट्स इन्होंने कहा था अभी चंडीगढ़ में ODF सिटी बनाएंगे, आज आपको लगता है ये क्या चंडीगढ़ शहर ODF बन गया, लेकिन कागजों में इन लोगों ने पैसा खर्चा, और आप भर्तियों की बात कर लीजिए, MOH में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं हमारे जो जितने एम्प्लाइज यूनियन हैं चंडीगढ़ की, वो सारी एम्प्लाइज यूनियन जैसे हमारे कॉरपोरेशन के अंदर राकेश जी हैं उनके साथ पूरी उनकी टीम, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जितनी है वो सारे के सारे आज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, क्योंकि भर्तियों में घपले हुए कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगते हैं उनमें हुए, तो क्योंकि मैं कॉरपोरेशन में काउंसलर हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और सबसे बड़ी बात पानी के ऊपर आप लोगों ने देखा है, हम 5 काउंसलर हैं कॉरपोरेशन में, इन्होंने इस तरीके से बैक डोर से पानी के रेट बढ़ाए, हम लोगों ने कॉरपोरेशन में विरोध किया था, 3 गुना रेट बढ़ा दिए, ये गरीब लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा है, सीवरेज का भी बढ़ा दिया इन्होंने, और जो गाड़ियां चलाई है इन्होंने स्वच्छता के नाम पर उसके ऊपर खरीद में कितना बड़ा उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो लगता है भी आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, लोग खुद जानते हैं भी 6 साल में 7 साल में जब से यहाँ पर कॉर्पोरेशन में बीजेपी है जब से ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया, लोगों का उद्धार नहीं किया। अभी कुछ समय पहले ही रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, जितने भी गवर्नमेंट पेपर हैं वो पुलवामा में बनवाए जाते हैं क्योंकि वहाँ से पेपर आसानी से लीक हो सकते हैं, और जो बच्चा मेहनत करता है वो रह जाता है, जो पैसे भर देता है वो उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री खट्टर जी का जो बीजेपी के हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सामने आया था, उनका कहना है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, सभी बच्चे मेरे अपने बच्चे जैसे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, ये इन्होंने मोदी सरकार ने, ये तो आप स्टेट की बात कर रहे हैं, सुरजेवाला जी ने बिल्कुल क्योंकि वो फैक्ट पे बोलते हैं, आज राहुल गांधी जी हों सुरजेवाला जी हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने बातें ठीक कही है,
बेरोजगारों को नौकरी कहाँ मिली है बताइए। अगर नौकरियाँ थोड़ी बहुत इन्होंने देने की कोशिश की किसी ना किसी तरह से, वो भी उसमें पेपर लीक करवा कर उन लोगों की मदद की, पैसा लेकर पहले पेपर लीक करवा दिया, फिर उन लोगों को जो लोग कैपेबल लोग थे, कैपेबल विद्यार्थी थे, उन लोगों का वहाँ पर कोई कंपटीशन का ऐसा दायरा नहीं बनाया जो लोग वहाँ पर कम्पीट कर सकें, पेपर लीक करवा कर, ये सारा का सारा भ्रष्टाचार सामने है। आज नौकरियाँ कहाँ हैं? ये तो आप पूरे पुलवामा इधर वो हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं, और आप देखिए अभी हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी दलित हमारे पंजाब में बने हैं, उन्होंने कितनी नौकरी निकाली है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लाई जो 36,000 थे उनको उन्होंने रेगुलर करने का एक वो एजेंडा कर दिया। और हम भी चाहते हैं भी कॉरपोरेशन में भी नहीं आए 7 साल में कोई ऐसा मतलब भी नौकरी नहीं निकाली। और आप देखिए हमारे दलित एससी शेड्यूल कास्ट लोगों को कोई रिजर्वेशन कॉरपोरेशन में नहीं दी गई। हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी यूनियनें लड़ रही हैं, दलित लोग लड़ रहे हैं, पर लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे आज आने वाले दिनों में अगर कॉरपोरेशन चंडीगढ़ में हमारी कांग्रेस की बनती है, पवन कुमार बंसल जी की रहनुमाई में, सुभाष चावला जी की रहनुमाई में, तो हम लोगों को फेयर तरीके से उनका टेस्ट लेकर उनको नौकरियां देने की व्यवस्था करेंगे। हम लोग करेंगे या कांग्रेस पार्टी करेगी। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि स्वच्छता की बात की जाए तो चंडीगढ़ दूसरे स्थान से 66वें स्थान पर चला गया है, तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप क्या प्रक्रिया करेंगे कि चंडीगढ़ वापस से अपने ही उसी से स्थान पर आ जाए? देखिए सबसे बड़ी बात है जो डोर टू डोर लोग काम करते हैं, जो पहले व्यवस्था थी वो घर घर जाकर कूड़ा ले लेते हैं, लेकिन वो चीजें इन लोगों ने खत्म कर दी। उन लोगों को बहकाया गया, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से शहर की सफाई करते थे, तभी तो शहर 2014 में एक नंबर पर आया था। वो घर घर जाके एक और भी बहुत से लोगों ने शहर के लिए काम किया, तभी सुंदरता में था शहर, लेकिन इन लोगों ने उनको बहकाया, वो थोड़े देर के लिए बहक गए, और उसका नतीजा ही यह हुआ भी जो व्यवस्था जो इन्होंने अपनी की थी कॉर्पोरेशन में, वो व्यवस्था इनकी आज डोर टू डोर सेग्रीगेशन की वो सारी फेल होगी, और गांव में भी इन्होंने लागू की। आज गांव में देखिए गांव वाले त्रस्त है, मेरे गांव में मेरे वार्ड में कजेड़ी आता है, अब कजेड़ी में उन लोगों के ऊपर टैक्स तो लगा दिया तो मतलब कूड़ा उठाने का, लेकिन वहां पर देखिए कूड़ा और ज्यादा हो गया। तो ये चीजें व्यवस्था ही ठीक नहीं है लोगों की, हम व्यवस्था ही ठीक करेंगे अच्छे तरीके से, फिर से चंडीगढ़ शहर एक नंबर पर आएगा। अपने बोर्ड वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो ये संदेश हम घर घर जाकर कह रहे हैं, जो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में किया और किरण खेर जी ने जो पिछले 5 सालों में किया, तो ये चीजें सारी अब उनको वापस करने की है। उन लोगों को नहीं हम लोगों ने वोट देनी है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताना। चंडीगढ़ में आप देखना हमारा वार्ड ये 31 नंबर वार्ड नंबर 1 पर होगा पूरे 35 वार्डों में से, और लोग इसके लिए तत्पर हैं, लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। मैं भी अपने जितने वार्डवासी हैं उनको भी अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, इस बार आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से रुखसत दीजिए। जैसे कि आपने सुना ही होगा सतीश जी का कहना है कि जब से बीजेपी पार्टी चंडीगढ़ में आई है, जब से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है, और तो वही सर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो चंडीगढ़ वापस से अपनी उसी जगह पर आ जाएगी। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एट प्रकाश टीवी पर। मैं अमित मोदी एट प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एट प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।